गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सेवेंथ स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट ट्वेल्थ लेसन द मस्कुलर सिस्टम एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंगस तो आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम सुना रहेगा है क्या नहीं मस्कुलर सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टम तो सुना रहेगा आप लोग तो मस्कुलर सिस्टम क्या रहता है वाट इज दू यूज ऑफ या वाट इज़ द फंक्शन ऑफ मस्कुलर सिस्टम मस्कुलर सिस्टम हेल्प्स अस टू हेल्प द मूवमेंट ऑफ बॉडी जो मस्कुलर सिस्टम रहता है तो आपने बॉडी का मूवमेंट्स के लिए हेल्प करते हैं और दूसरा जो हेल्प रहता है वो मस्कुलर सिस्टम के अंदर कितना मसल्स रहता है स्केल्टल मसल्स रहता है कार्डियल मसल्स रहता है और स्मूथ मसल्स रहता है ये सब अपने बॉडी फंक्शन के लिए हेल्प करते हैं ठीक है ठीके? ये जो भी मसल्स रहता है वो सब अपने बॉडी मूवमेंट्स के लिए सब हेल्प करते हैं और अपने पूरा बॉडी में कितना मसल्स है टोटल सिक्स हंड्रेड मसल्स है पूरा ह्यूमन बॉडी में सिक्स हंड्रेड मसल्स से भरा हुआ है और देर आर अबाउट थर्टी मसल्स इन अवर ह्यूमन फेस ऑल्सो ठीक है अपने फेस के अंदर कितना मसल्स रहता है थर्टी मसल्स तो आया एक आइडिया अबाउट द मस्कुलर सिस्टम अपने मसल्स जो रहता है वो मूमेंट्स के लिए हेल्प करते हैं और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम का यूज़ क्या है जो डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं क्या नहीं डाइजेस्टिव डायजेस्टिस्ट जो भी हम लोग खाना खाते हैं विच एवर फूड वी आर ईटिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स टू डाइजेस्ट दैट फूड अपने फूड जो है वो डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है तो मसल्स क्या रहता है मसल्स आर बंडल्स ऑफ फाइबर्स दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एज रिक्वायर्ड जितना अपने को कॉन्ट्रैक्शन के लिए और रिलैक्सेशन के लिए जैसे अपने मन चाहता है वैसा मसल्स अपने को हेल्प करते हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए और रिलैक्सेशन के लिए मैंने छोड़ने के लिए और पकड़ के रखने के लिए मसल्स के हेल्प से हम लोग कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आपका टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है फर्स्ट जो है हाथ हम लोग नहीं कैसा मसल्स देखते हैं ऐसा पकड़ के तो वो जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है मसल्स का ऐसा हाथ हम लोग पढ़ के रखते हैं या छोड़ने के टाइम पे और ट्वेल्व पॉइंट वन में भी आपको कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल का और रिलैक्सेशन ऑफ मसल का पिक्चर दे दिया हुआ है देखो जब मोमेंट कुछ भी नहीं रहता है तो क्या रहता है रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स रहता है लेकिन जब मोमेंट रहता है या कुछ चीज़ हम लोग लिफ्ट करते हैं वो टाइम पे क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है ठीक है आए समझ में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स और ये जो मसल्स रहता है वो किसके साथ अटैच किया हुआ रहता है अपने बोन्स के साथ अच्छा ये रहता है अटैच किया हुआ रहता है बाय द मीन्स ऑफ टेंडेंस जो टेंडेंस के थ्रू अपने बोन्स को अटैच किया हुआ रहता है दिस मसल्स ओके एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ मसल्स वॉलेंट्री मसल्स एंड इनवॉलेंट्री मसल्स दे बॉडी में अपने uh, अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग टाइप का मसल्स रहता है ठीक है तो वो कौन सा कौन सा है वॉलेंट्री मसल और इनवॉलेंट्री मसल्स वॉलेंट्री मसल्स बोलता जो रहता है उनका मसल्स का एक्शन जो भी रहता है वो सब अपने मन से हम लोग कर सकते हैं हम चाह तो कर सकते हैं नहीं तो नहीं ऐसा जो रहता है उसको वॉल्ट्री मसल्स बोलते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वॉकिंग हमको जैसे चा, मन चाह तो हम लोग चल सकते हैं वॉकिंग ईटिंग या वर्किंग विथ आवर हैंड्स कुछ हम लोगों को उठाने का है या कुछ ऐसा झाड़ू मारने का है ये सब अपने विल से करते हैं हम लोग तो ये सब मसल्स क्या रहता है वॉल्ट्री मसल्स रहता है ओके मसल्स यूज इन द एक्शंस विच विथ आवर विल आर कॉल्ड वॉल्ट्री मसल्स अपने विल से हम लोग जो भी काम करते हैं उसमें जो यूज होता है मसल्स उसको बोलते हैं वॉलन्ट्री मसल्स फॉर एग्जांपल मसल्स इन अवर आर्म्स एंड लेग्स आर वॉलेंट्री मसल्स ठीक है example, muscles, अपने हाथ में और पाँव में जो भी मसल्स हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं वॉलन्ट्री मसल्स ओके नेक्स्ट इज़ द इन्वॉलेंट्री मसल्स इनवॉलेंट्री मसल्स कौन सा रहता है जो मसल्स का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रहते है। उसको बोलते हैं इन्वॉलेंट्री मसल्स ठीक है फॉर एग्जाम्पल जो अपने इंटरनल ऑर्गन्स में जो भी मसल्स रहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रीथिंग ब्लड सर्कुलेशन डाइजेशन ये सब इम्पॉर्टेंट फंक्शंस रहते हैं अपने बॉडी का इंपॉर्टेंट फंक्शंस रहता है जो श्वास लेना या ब्लड सर्कुलेट होना अपने पूरे में बॉडी में और डाइजेशन होना तो ये फंक्शन में जो भी मसल्स हेल्प करते हैं वो मसल्स जो रहता है वो कौन सा रहता है इन्वॉलेंट्री मसल्स रहता है एंड दे डो नॉट डिपेंड ऑन आवर विल जो अपने मन पर डिपेंड नहीं रहता है दी मसल्स ऑफ ऑर्गन विच कैरी आउट दी इन्वॉलेंट्री फंक्शंस आर कॉल्ड इन्वॉलेंट्री मसल जो इन्वॉलेंट्री फंक्शंस रहता है डाइजेशन ब्लड सर्कुलेशन जैसा वो फंक्शन को जो भी हेल्प करते हैं वो मसल्स को बोलते हैं या वो ऑर्गेन में जो भी मसल्स uh, रहते हैं उसको बोलते हैं इन्वॉलेंट्री मसल्स ठीक है muscles, तो जो uh, फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स लाइक स्टोमक इंडेस्टाइन हर्ट आर कैरिड इन देअर ओन फिक्सड मैनर बाई इन्वॉलेंट्री मसल्स ये सब इन्वॉलेंट्री मसल्स अपने टाइम इसमें करते रहते हैं डाइजेशन बोलो या हार्ट बीट बोलो ये सब अपने मन से वो करते रहते हैं हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते उसके ऊपर ठीक है दैट आर इन्वॉलेंट्री मसल और नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ मसल्स जो मस्कुलेटरी uh, सिस्टम है उसके अंदर कौन सा कौन सा टाइप्स ऑफ मसल्स रहता है स्केल्टर मसल्स कार्डियाक मसल्स या हर्ट मसल्स या स्मूथ मसल्स ठीक है थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स आर दर इन द ह्यूमन बॉडी तो स्केल्टन मसल्स क्या रहता है दैट आर अटैच टू डिफरेंट बोंड्स जो स्केल्टन मसल्स रहता है दोनों एंड पे वो अलग अलग बोंस को अटैच किया हुआ रहता है ठीक है और देयर मूवमेंट्स आर वॉलेंडरी वो जो है अपने मन से हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं एंड देर आर ऑल्सो दे आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द बॉन्स ऑफ स्केल्टन टुगेदर एंड गिविंग शेप टू और बॉडी तो वो जो स्केल्टन के अंदर का जो बोन्स रहता है उसको होल्ड करने में और जो अपने बॉडी को शेप देने में उसका इम्पॉर्टेंट ये इम्पॉर्टेंट रहता है या रेस्पॉन्सिबल रहता है ये स्केल्टल मसल्स ठीक है आए समझ में स्केल्टल मसल्स क्या रहता है एक बोन्स को कनेक्टेड रहता है अटैच रहता है और वो जो रहता है फॉर एग्ज़ाम्पल आर्म्स एंड लेग्स जो अपने हाथ में और पाव में जो कनेक्टेड रहता है मसल्स वो कौन सा रहता है स्कल्टल मसल्स रहता है और वो वॉलेंट्री रहता है हमारे मन से हम लोग उसका मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर सकते हैं और वो रेस्पॉन्सिबल रहता है टू गिविंग शेप टू आवर बॉडी नेक्स्ट इज़ द हर्ट और कार्डियक मसल्स ठीक है हर्ट और कार्डियक मसल्स जो रहता है वो क्या किधर रहता है दिस मसल्स ब्रिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ और हर्ट तो अपने हर्ट के अंदर जो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक् कॉन्ट्रैक्शन होता है ये सर किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कार्डियक मसल्स का या हर्ट मसल्स का और उसका मोमेंट कैसे रहेंगे दर मोमेंट इज इन्वॉलेंटरी ओके कार्डियक मसल्स कॉस आवर हर्ट टू रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूसली एट ए रेट ऑफ अबाउट सेवेंटी टाइम्स पर ए मिनट एक मिनट में कितने बार होता है उसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन सेवेंटी टाइम्स होता है सत्तर टाइम्स होता है एक मिनट के अंदर हर्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन ठीक है तो ये मसल उसके लिए हेल्प करते हैं और दिस मसल्स आर इन्वॉलेंट्री नेक्स्ट इज द स्मूथ मसल्स दीज मसल आर प्रेजेंट इन द इंटरनल ऑर्गन्स अदर देन दर्ट दे हर्ट के अंदर नहीं बाकी का पूरा बॉडी में ये मसल्स रहता है फॉर एग्जाम्पल किधर किधर हो सकता है स्टोमक मसल्स ऑफ द स्टोमक अपने पेट के अंदर का जो मसल्स रहता है या इंडेस्टाइन लार्ज इंडेस्टाइन और स्मॉल इंडेस्टाइन है उसके अंदर का जो मसल्स रहता है और ब्लड वेसल्स या यूट्रस के अंदर जो मसल्स रहता है ये सब क्या रहता है स्मूथ मसल्स रहता है और उसका मूवमेंट जो रहता है वो भी इन रहता है हम लोग अपने मन से नहीं मूवमेंट कर सकते हैं उसका और स्लो रहता है ये जो मसल्स रहता है स्मूथ मसल का मूवमेंट जो रहता है वो स्लो रहता है ठीक है uh, और वेरियस फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी ऑफ़ विच वी रिमेन क्वाइट अन अवेयर आर कैरीड बाय दिस मसल्स तो अपने को मालूम नहीं रहता है ऐसा फंक्शंस भी वो कैरी वो काम करते ही रहते हैं स्मूथ मसल्स का काम अपने को कभी कभी समझ में भी नहीं आता है ओके okay? इतना आया ना सबको समझ में क्या क्या देखा हम लोगों ने वॉल्ट्री मसल्स देखा इनवॉलेंट्री मसल्स देखा स्केल्टल मसल्स देखा कार्डियक मसल्स या हर्ट मसल्स देखा स्मूथ मसल्स देखा ठीक है इतना हम लोगों ने आज पढ़ चुके हैं ओके बाय